गांव मोहरका पट्टी के बिरजू को ससुरालियों ने पिलाया जहरीला पदार्थ। जिला अस्पताल में भर्ती। जनपद अमरोहा के थाना गजरौला क्षेत्र के गांव मोहरका पट्टी का रहने वाला बिरजू का आरोप है कि उसने अपने साले को कुछ पैसे उधार दिए थे। जब वह अपनी ससुराल जोया में पैसे लेने गया तो उसके ससुराल वालों ने अपने घर जोया बुला लिया और बुलाकर उसको जहरीला पदार्थ का सेवन करा दिया, जिसके बाद उसकी हालत खराब हो गई। बिरजू ने पूरे मामले में पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसका आरोप है कि पुलिस ने अभी तक आरोपी ससुरालियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। बिरजू कहाँ के रहने वाले हैं आप? मोहरका पट्टी। थाना कौन सा लगता है ये बताइए? आज जो अस्पताल में मतलब भर्ती हैं, क्या है पूरा मामला? क्या है, साले पे 1,60,000 रुपया, उसने अपनी गाड़ी निकाली थी मेरे से मांगा। सिस्टर की शादी के लिए पैसा जमा किया था मैंने। अब उन्होंने वो पैसा मांगने के लिए गया तो मेरे साथ विवाद किया। उन लोगों ने अपनी लड़की को रोकने की चेष्टा करी घर से, उसको तो मना से लेकर के आ गया। घर से 1,46,000 रुपये की चीज वो लेकर के रवानगी हो गई। फिर धोखे से मुझे घर बुलाया गया। घर बुला करके मुझे खाने में पता नहीं उन लोगों ने क्या किया। जब से लेकर के मेरी हालत कम पे कम गई। थाने के अंदर मैंने कार्रवाई करी मगर मेरी कोई सुनवाई उन लोगों ने नहीं करी। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पा रही थी इसके लिए। आपको मतलब कोई नशीला पदार्थ दिया गया ससुराली की तरफ से? जी जी जी। तब आपकी मतलब तबीयत में क्या? कोई सुधार नहीं है। कोई सुधार नहीं है। एक्सरे कराया, एक्सरे के अंदर भी फाइल आया, एडमिशन कराया। तो कितने लोग थे आपको ससुराली में? वो 4 लोग हैं। कौन कौन शामिल है? एक साइन है, बंधन समाज से है, एक कपिल, नरेश, मनोज। तो सर आपके रिश्तेदारी में कौन लगते हैं? रिश्तेदारी में ये तो 2 साले हैं, एक ससुर हैं और एक मुंडन समाज से है जो उनका पूरी तरह से साथ दे रहा है।